गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई सुबह के बजे हैं 5 और मेरी शुरुआत हुई जैसे कि बाबा के दरबार में। और सुबह 5 बजे सोकर उठा हूँ और मौसम आज इतना ज़बरदस्त है, ऐसे लग रहा है कि जैसे दिसंबर का मौसम है। रात को तो पूरा पैक था एरिया, अब तो लोग काफ़ी निकल गए आगे अपनी मंजिल तरफ, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग अभी सो रहे हैं। अभी आधे घंटे में ही पूरा खाली हो जाएगा। और ये देखो यार, लोगों का सुबह सुबह नाश्ता चालू हो गया, नाश्ता करेंगे और आगे निकल जाएंगे। यहाँ तो जैसे कि 24 घंटे चाय की सेवा चलती ही रहती है और सुबह 5 बजे तक तो लाइन ही लग जाती है। ऐसे लगता है कि ऐसे ये देखो भात चाहता है, रात अंधेरा है, सामने रोड पर ट्रैफिक चल रहा है। इधर चाय ब्रेड और बिस्किट की सेवा चालू हो गई है सुबह 4 बजे से। ये सुबह सुबह चाय ब्रेड बिस्किट की लाइन है और ये चल रही है अपनी चाय ब्रेड बिस्किट की सेवा जो सुबह 4 बजे चालू हो गई थी और ये पूरे दिन कंटिन्यू चलती ही रहेगी। ये सुबह 5 बजे दूध, ये दूध का स्टॉक, दूध दही मक्खन ये सारा स्टॉक अभी 5 बजे आया है। और इधर सब्जियां और राशन जो कि डेली ख़त्म होता जाता है और बीकानेर से आते जाता है, सारा सामान जो आता है बीकानेर से ही। और ये सारी ताज़ी सब्जियां और ये सब दूध दही का स्टॉक सुबह 5 बजे। और ये चाय तो चलती रहती है, ये बनती है चाय जो कि 24 घंटे चलती ही रहती है, ये तो कभी रुकती नहीं है। 1 hour later गाइस सुबह के बजे हैं 6 और ये देखो भाई मेरे पीछे दिख रहा होगा आपको कितना ही खूबसूरत एकदम नज़ारा दिख रहा है ना, एकदम खिला मौसम। जैसे कल इतना तूफान और रात को बरसात हुई थी ना, उसके बाद की सुबह की शुरुआत इतनी बढ़िया हो तो भाई क्या बात है। सुबह मैं तो जैसे कि मैंने दिखाया ना कि 5 बजे उठ के सेवा में लग गया था और अब दिन निकला है, सुबह के 6 बजे दिन निकला है। और देखो यार नज़ारा इतना खूबसूरत, इतना कतल नज़ारा है ना कि ठंडी ठंडी तो हवा चले, इतनी ठंडी है मतलब जैसे दिल्ली की नवंबर दिसंबर का महीना हो ना, वो अभी सुबह का माहौल ही है। लेकिन अभी 2 घंटे के 1 घंटे बाद जैसे सूरज देवता निकलेंगे ना तो यही ठंडा एकदम गर्मी में बदल जाएगी। और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ना तो बस तापमान तो ऐसे बढ़ जाता है कि दिन में कि भाई बंदा चक्कर खा के गिर जाए। महाराज तो लंबी तान के सो रहे हैं क्योंकि रात को सोए थे, रात को क्या सुबह 4 बजे सोए होंगे। इधर ये कंबल डाल के ओपन सो रहे हैं, सुबह की तो इतनी ठंडक होती है कि रजाई और कंबल ही लेना पड़ता है। जब आदमी थक जाता है तो भाई फिर ऐसे घोड़े बेच के सोता है। ये है हमारे हरी भाई, हमारी 20 साल की दोस्ती हो गई हमारी भाई मेले वाली दोस्ती हमारी, हर साल ये मेले मिलते हैं। और हरी भाई का जो रामदेव चिकित्सा सेवा का जो लगा हुआ है ना यार, जो आपको भी दिखाया है ना, कितनी ज़बरदस्त चिकित्सा देते हैं कि जो भी यात्री चल जाए थक जाता ना, लगता है चले नहीं जाएगा, तो वो हरी भाई की सेवा लेके ना एकदम घोड़ा बन जाता है। आज तो पहले अंदर आके बैठ गया, इसको तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, अभी साथ में गए थे। और इधर भाई ये देख रहे हो हमारे भाई जी, हाँ इधर महाराज, इनको तो देखो, इनको तो कुछ ज़्यादा ही गर्मी लग रही है। कपड़े तो पहन लो महाराज, कपड़े पहन रहा हूँ। पैदल यात्रियों की सेवा करते हुए और पुराने यार दोस्तों से मिलते हुए ना, कब यार 4 दिन बीत गए पता ही नहीं लगा। और अब वो टाइम आ गया कि भाई वापस चलना है दिल्ली की तरफ, और ना चाहते हुए नया दिल तो मान ही नहीं रहा बिल्कुल भी। पता नहीं कब यार 4 दिन ऐसे बीते गए, सुबह से शाम और शाम से सुबह ऐसे हो गई। और पैदल यात्रियों की सेवा करने में जो आनंद आया ना यार, और एक से एक अजब गजब नज़ारे देखे, और जो एक से एक स्वादिष्ट पकवान यहाँ प्रसाद रूप में खाए ना यार, कि मज़ा ही आ गया। Later that same evening भयंकर तूफान आ गया। ये देखो यार, अभी मैं आपसे बात ही कर रहा था, 10 मिनट पहले इतना बढ़िया मौसम था, और अब फिर ये देखो यार वैसे लग रहा है कि कल वाला ही हालत दोबारा से हो गई है। और चारों तरफ कितना भयंकर एकदम तूफान उठाए, और यार स्लाइड कारीगरों ने तो यार पूरा टूटा, सब पट रहा है। भाई साहब बहुत ज्यादा तेज तूफान आ चुका है आज वापस से, लग रहा है कहां से ये तो मुंडी को बस पेट पड़ने वाले हैं। हां,
गाइस बीकानेर स्टेशन पहुंच गए बिल्कुल राइट टाइम। जिस तरह तूफान के अंदर वहां से निकले थे ना, तो लग रहा था पता नहीं यार ट्रेन निकलेगी या पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, लेकिन अभी ट्रेन है 10:30 की और हम जो है अभी 9:15 राइट टाइम टैक्सी पहुंच गई है। टैक्सी क्या मतलब क्या पहुंच गई अपनी, और अब जाके राहत मिली है यार। तो थोड़ी देर में अपनी गाड़ी चल जाएगी। और पीछे फोन आ गए, फ्रेंड को टिकट करानी थी, मुझे पता ही नहीं था, 50 की बात है टिकट दी तो करंट टिकट उसकी मिल गई। और अब पीछे खड़ी है अपनी गाड़ी तैयार, और अब जल्दी से निकलते हैं। और द नेक्स्ट मॉर्निंग, रात को ट्रेन में बैठते ही ना जो नींद आई पता ही नहीं लगा यार कब गुड़गांव पहुंच गए। उसके बाद फिर हम 5:30 पहुंच गए दिल्ली गेट, और दिल्ली गेट उतर के जो कैब करके 6 बजे घर पहुंचे ना, मुझे लगा कि 10 मिनट चलो झपकी ले लेता हूँ, और 10 मिनट की झपकी जो है सीधे 11 बजे वहाँ खुली, और 11 बजे उठाऊँ सोकर। तो भाई इस वीडियो को करते हैं एंड। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय बावेरी, जय हिंद।